बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। यह स्टारर फिल्म KGF चैप्टर 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। कन्नड़ भाषा की पीरियड एक्शन फिल्म जो अप्रैल में रिलीज होने के लिए तैयार है। शुरू में बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के साथ टक्कर होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म शाहिद कपूर के जर्सी के साथ आमने सामने आने वाली है। आमिर और करीना कपूर स्टारर लाल सिंह चड्ढा जो फॉरेस्ट गम की हिंदी रिमेक है 14 अप्रैल 2022 को बैसाखी के अवसर पर रिलीज होने के लिए तैयार थी। अब मेकर्स ने रिलीज डेट को 11 अगस्त 2022 तक के लिए टाल दिया है। काफी हलचल के बाद शाहिद की फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होगी। शाहिद कपूर ने ट्विटर पर नए रिलीज की तारीख की घोषणा की। उन्होंने लिखा, ये अनाउंसमेंट करते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारी प्यारी फिल्म जर्सी 14 अप्रैल 2022 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जल्द ही सिनेमाघरों में मिलते हैं। शाहिद के सभी फैंस के लिए अच्छी खबर है, जो फिल्म का सिनेमाघरों में रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये फिल्म जय स्टारर KGF चैप्टर 2 के साथ आ रही है। प्रशांत नील द्वारा निर्देशित इस फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी, संजय दत्त और रवीना टंडन भी है। वहीं जर्सी में शाहिद कपूर और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में पंकज कपूर भी अहम किरदार निभाएंगे। गौतम तितनारू द्वारा निर्देशित ये सेम टाइटल की 2019 की तेलुगु फिल्म का रीमेक है। फिल्म को कोरोना वायरस और सिनेमा हॉल बंद होने के कारण रिलीज में कई देरी देखनी पड़ी। तो आप शाहिद कपूर की जर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर यश की KGF चैप्टर 2 के साथ क्लैश करेगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए बने रहें व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ।